से यह भी पूछा कि आप मैं पुलिस को खबर करूं ताकि आपको न्याय मिल सके, लेकिन उस महिला ने अपनी इस बात को उजागर करने से मना किया। इससे हमें ये समझना चाहिए कि आखिर हालात कैसे हैं। महिलाओं को आज भी यही लगता है कि अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो उन्हें समाज में न्याय कम मिलेगा और उसके लिए उन्हें दोषी ज्यादा बताया जाएगा। इस परिस्थिति से अब हमारे देश की महिलाओं को बाहर निकलने की जरूरत है। मुझे खुशी है कि हमारे नेता ने इस समाज की इस बुराई के बारे में भी खुल करके लोगों से बात की है और हम महिलाओं का हिम्मत भी बढ़ाया। उन लोगों को जो कल्प्रिट से उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आप इस बात को समझिए कि न्याय के लिए भी महिलाएं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती हैं। आज देश में अगर ऐसे हालात हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, और अगर कहीं इस तरह की बात आई है, ऐसा नहीं राहुल जी ने खुद ऑफर किया उनको कि मैं पुलिस से बात करके क्या उसको पनिशमेंट कराऊं, लेकिन अगर कोई महिला इस बात को हमसे आपसे कॉन्फिडेंशियलिटी में शेयर करना चाहती है, वो आपसे जुड़ाव की वजह से आपसे शेयर कर रही है, तो ये हमारा दायित्व और कानून भी यही कहता है कि अगर महिला का नाम इस तरह के मामलों में उजागर नहीं किया जाता तो राहुल जी मन से क्यों बोले। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करने का सभी को अधिकार है। अगर छात्र कहीं विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसको सरकार मना नहीं करेगी। हम लोगों की सरकार भी तानाशाह सरकार नहीं कि उन्हें मना कर दिया जाए। विपक्ष को रोज एक ड्रामा करने की आदत है। इन छात्रों के हित के काम उन्होंने अपने कार्यकाल में कितना किया है मैम, आप लोग अमर बावरी जी से पूछे। आलमगीर आलम ने उन लोगों से बातचीत की थी कि हम लोग सारी चीजें स्पष्ट करेंगे, उसके बाद गिराव पर कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों ने रोक लगाई। मुझे इस मुद्दे के बारे में पता नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ कि कांग्रेस पार्टी का कोई हो या महागठबंधन से कोई हो, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करने वालों को डराने धमकाने की बात नहीं हो सकती। ये जरूर आश्वासन दिया गया होगा कि हम लोग बातचीत करके इसका समाधान करेंगे। इतना हमारे पार्टी के लोग या हमारी सरकार कर सकती है और ये हमारा हक बनता है, लेकिन विरोध प्रदर्शन कोई करना चाहता है तो करिए। विपक्ष यहाँ रोज ड्रामा करता है बिना मुद्दों के, और जो गंभीर बातें हैं इस राज्य की उस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं वो। अमर बावरी जी ने क्यों नहीं आज किसी महिला के बारे में कोई सवाल उठाया? क्यों नहीं अमर बावरी जी से आप लोग ये सवाल कर रहे हैं कि उनके सांसद इस तरह की ओछी बातें क्यों कर रहे हैं? मैडम, उस पर विरोध प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। मैडम से यह भी पूछा कि क्या मैं पुलिस को खबर करूं ताकि आपको न्याय मिल सके, लेकिन उस महिला ने अपनी इस बात को उजागर करने से मना किया। इससे हमें ये समझना चाहिए कि आखिर हालात कैसे हैं। महिलाओं को आज भी यही लगता है कि अगर उनके साथ कुछ गलत हुआ है तो उन्हें समाज में न्याय कम मिलेगा और उसके लिए उन्हें दोषी ज्यादा बताया जाएगा। इस परिस्थिति से अब हमारे देश की महिलाओं को बाहर निकलने की जरूरत है। मुझे खुशी है कि हमारे नेता ने इस समाज की इस बुराई के बारे में भी खुल करके लोगों से बात की है और हम महिलाओं का हिम्मत भी बढ़ाया। उन लोगों को जो कल्प्रिट से उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आप इस बात को समझिए कि न्याय के लिए भी महिलाएं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती हैं। आज देश में अगर ऐसे हालात हैं तो ये अच्छी बात नहीं है, और अगर कहीं इस तरह की बात आई है, ऐसा नहीं राहुल जी ने खुद ऑफर किया उनको कि मैं पुलिस से बात करके क्या उसको पनिशमेंट कराऊं, लेकिन अगर कोई महिला इस बात को हमसे आपसे कॉन्फिडेंशियलिटी में शेयर करना चाहती है, वो आपसे